आ जाओ खान भाई के सारे दोस्त आ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी सब में अंडरस्टैंडिंग रखे। आमीन अब ये बच्चे के खाने बच्चों की बारी है। अभी आप सबको एक एक उसमें फ्रेम में ले लेते हैं आपने वीडियो में भी नहीं आप फिर केक के साथ आप आगे बैठे और रिकॉर्डिंग हो रही है। जी सनसेट देखने जा रहे हैं तमाम बर्थडे बॉय के साथ। तो ये के ये देखें सारे लोग सनसेट के लिए जा रहे हैं। रेल चलाएं जी। आज जो है हमारी बेगम दाल चावल बना रही हैं और इफ्तिखार भाई जो है वो चटनी बना रहे हैं। क्या बन रहा है भाई? हमारी अम्मी फिफ्टी से अम्मी कुछ रीज भी खाए इसको मसाला जो करते हैं चला जाएगा इसी का तो टेस्ट होता है नहीं कितना कड़ी कड़ी सा लग रहा है मेरी दाल दो नहीं ये तो भगा ना होगा ये तो भी सिर्फ दाल बन गल रही है बस सही है इसको ढक्कन डाल के हल्के आंच पे छोड़ थोड़ी सी मिर्च डाल दूं क्या चमचा तो चला दे नहीं दाल में कभी चम्मच नहीं चलाते कभी नहीं गलेगा यार आपको पता है नहीं पता नहीं बोल क्यों हां लकड़ी का भी नहीं चलाते नहीं हमें तो हमेशा मना किया कि दाल में नहीं चलाएं जब भी तो आपकी दाल सही नहीं बनती मुझे क्या पता जब बड़े बूढ़े होते थे तो हमें तो कोफ्ते में भी आप चमचा घुमा देती हैं क्या हमें तो इफ्तिखार भाई ने बताया कि आप मिर्च में अभी नहीं डाली भगार वाले में डाल दूंगी सही है इसका ढक्कन ये है किसका दाल का ये वाला कोई भी रखते हैं मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ चमचा चला दें अगर नीचे से लग जाए दाल तो नहीं लगेगी यार लगेगा मैं पानी छोड़ दूँ थोड़ा सा और डाल दूँ क्योंकि दाल को तो पतला करना ही है कुछ चीजें छोड़नी भी चाहिए साफ साफ है ना नहीं है तो हो जाएगा साफ दाल में तो कोई चीज ना आ जाए कुत्ते बिल्ले भी आ गए तो चावल भी तुम बनाओगी चावल तो बस पानी चढ़ाना है नॉर्मल दाल चावल के साथ बघारे नहीं होते जो आपको पता है वो करें चावल तो पानी उबलने को चढ़ा दे
चावल का वो सर सीखों पे नहीं लगाए, इस पे लगाए। हाँ पिछली बार इसी में किया था। टिक्के लगाने की तैयारी हो रही है जनाब। हमारे चीफ शेफ जो हैं वो टिक्के लॉन्च करने के लिए रेडी। क्या कर रहे हो भाई? मसला ही मैं सब इस वीडियो Hey guys, what happened? Raccoon again? Oh yeah, here it is. Daddy, hit it. Hit the tree. Hit him, Daddy. Hit him. No. Okay, Daddy, come back now. Daddy? Bhagya. Daddy, don't go in further. Daddy. It's still there. Okay, come back then. क्या हुआ मसूद भाई? आपका फ्रेंड आ गया? उसको थोड़ा सा डराना था तो वो डर गया। वो डर कहाँ रहा है सर? वो वापस आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। कहाँ है? ओए 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 ऊपर चला गया, ऊपर चला गया सर जी, ऊपर चला गया। वो ऊपर है, अब कौन पकड़ेगा उसको? Climb the tree. ये ट्री को हिलाए साले को गिरेगा। What is mom mad? The boat ऊपर चला गया। Mom gets mad. She might attack you. देखो ये गिरफ्त हो गया ना? लेकिन वो जो branches है उसके। हाँ वो बैठा है नजर आ गए। ये बैठा है। वो देख। हाँ वो देख, वो देख रहा है। हाँ उसकी। अब आ जाए नीचे। मानू भाई तो चिमटा ढूंढिए, टॉर्च लेके चिमटा दीजिए। पहले टॉर्च ढूंढना पड़ेगा। ये लेंगे टॉर्च, ये रही पहले टॉर्च ढूंढो। टॉर्च ढूंढो चिमटा, ये भी चल जाएंगे। ये देखना टॉर्च। दो खवातीन बहुत मेहनत कर रही हैं, दाल चावल और दाल के बघार के लिए। देखो बेंच में होगा, बेंच में सही वाले बेंच में। अरे भैया मैं कुछ जल्दी हो जाए। जूस तो नहीं? हाँ जी, हमारे टेंट में रैकूनों का हमला हो गया है। जबरदस्त किस्म का। और ये के कुछ चौकीदार हमने बिठा दिए हैं रैकून के इंतजार में, और कुछ उनके लिए मिर्चों का इंतजाम कर रहे हैं ताकि वो खा के ना आए हमारे पास। लेकिन ये के वो भी जवान एंजॉय करना चाह रहे हैं हम लोग के साथ। मशीन चलाई थी तो दो तीन दफ़ा उन्होंने ट्राई किया है रकून्स ने, लेकिन ये कि हम लोग ने भगा दिया उनको। लेकिन अब देखें वो रात को फिर चक्कर लगाएगा।
वो टिक्का खाने के मूड में है लगता है। मारूफ भाई आप क्या कहेंगे? तुमको भी एंजॉय करने दे, वो आ रहा है, देख रहा है लोगों के साथ। तो आप क्यों भगा रहे हैं लोग यार? मैं नहीं भगा रहा, मैं कह रहा हूँ को भी आने दे, थोड़ा खिला दे, उसकी भी दावत हो जाएगी। तो देखिए फिर कब आता है रकुम खाना यार, इधर उधर देखते रहो सर। वहाँ का डोर बंद कर दिया उसका? ओह ये तो बॉयल हो गया भाई। हाँ बॉयल ही करना, टाइम नहीं है बॉयल ही करना इसको। करना कुछ नहीं, चूल्हा और ला सकती है आपकी? चूल्हा ये हटेगा तो दाल भगाने का तैयार होगा, ये हटेगा तो चावल का पानी बॉयल होगा। घर में दाल तैयार है ये? नहीं कह रहे हैं गैस है, उसमें चूल्हा नहीं चल रहा। हाँ गैस है, 100% श्योर? हाँ वो चेक किया था हम लोग ने, थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हुआ है हम लोग का, एक चूल्हा जो है वो काम नहीं कर रहा अचानक, तो हमारे पास सिर्फ एक चूल्हे का ऑप्शन है। अब यार फर्ज करें हम सिर्फ वही चूल्हा लेकर आते तो क्या कर रहे होते इस वक्त? हम लोग कई खा रहे होते हैं चूल्हा है, हम कर चुके हैं वैसे ही रखे तो पहले में तो हाँ। तो एक चूल्हा हमारा डेड हो गया है जिसमें तीन बर्नर थे, अब ये कि एक ही ऑप्शन बचा है, उसी में दाल बन रही है, उसी में चावल बनेगा और उसमें ही बघार लगेंगे। यार वैसे टिक्के को हम रोटी के साथ भी तो खा सकते हैं, वो कैसे गिर गया? तो एक और भी तो था कच्ची जो रखी हुई थी, हाँ जी अपडेट ये है कि हमारे चूल्हे बिल्कुल सही है, कुछ नाड़ी लोग जो है उसको हैंडल कर रहे थे, चूल्हे हमारे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और ये कि गैस भी है और इस तरह अब हमारे पास चार चूल्हे हो गए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और बेगम साहिबा जो है वो एक चूल्हा तो बंद करते हैं, अभी दो चाहिए ना तो हाँ वो जबरदस्ती ना चलाएं, खुशी में चूल्हा। अभी ये क्या है, दो रख लें बस, मेरा ख्याल है दो चाहिए ना अभी। चावल तो यही तो कह रहा हूँ, एक चावल। हाँ कुकिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं, बहुत आसान, निशान लगे होते हैं, पानी डालो, चावल धो, इसमें डालो और बंद कर दो, खुद ही चावल तैयार होता है वो बंद। ऐसी चीज होनी चाहिए ये है, अंदाजा लगा रहे हैं पानी इतना करो, कुछ नहीं भाई बता रहा, राइस कुकर ले लें, कभी नहीं होती है भाभी, कभी घर खुद पकाना होता है आराम से पक जाए। वो खुद किचन में नहीं घुसने देती, कहती है सारी चीजें खराब कर दो। आपको यही नहीं पता होगा कि किचन में क्या क्या चीज कहाँ रखी है, होगा पता पड़ता है ना, तो वही तो आपको यही नहीं पता होगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। और तुम किचन में कहाँ रह जाती, जहाँ आता तो कहते जहाँ बैठे हैं, उलझन होती है मैं कैसे पकाऊं। चले एक बार कोशिश करके देखें, इनको पकाने दें, बहुत ज्यादा उलझन में आ जाती हूं। एक दिन खा रहे हैं इनको पकाने दें ना, एक दिन का दे दे, पीनट बटर सैंडविच बनाए खाना, पीनट बटर सैंडविच, दूध का गिलास, चाय बिस्किट के डब्बे थे, अगले वीकेंड पे हो जाए चाय का नाश्ता, इसका चाय का मतलब बेटी चाय बना के इसको जगा दे, आगे से जाएगा जब बना लीजिए तो जगाया क्यों। बैटी दो फिर बोला भैया मुझे नाश्ता दे दो, उठाने का तरीका है ये, वो तरीका है रोटी खिला के बकरा दबोचे, सही है काम तो करेगा ना, या एक टीम ऑर्डर से ला के कप में डाल के चाय बना दे। स्टेप टी, स्टेप टी डबल डबल, खाना जो देने लगे ना वो एक दफा यूं कर ले, ये मारो यार, खुशबू भी आई है।
लेकिन इधर ब्लैंकेट का दावा मिला आज कैसी रही आप दोनों की कुकिंग क्लास सीखा भैया पूरा दाल चावल सीख लिया भैया हाँ जी दाल चावल खुल गया है लुटस मच गई है ये क्या कोई किसी को पहचान नहीं वो भाई ये कुछ नहीं है कुछ नहीं है क्या बातें कर रहे क्या कुछ नहीं है दाल है दाल है दाल है दाल को दाल समझ के हम आजा कौन है खाना मिल रहा है दाल दे चल थैंक यू अस्सलाम वालेकुम जी आज हमारा आखिरी डे है आखिरी डे से मुराद ये कि आज हम वापस घरों को जा रहे हैं तो सुबह उठ के थोड़ा बहुत लोगों ने नाश्ता किया और ये कि सब ने अपने टेंट पैक कर लिए एक पार्टी निकल गई है बाकी लोग जो हैं सामान पैक करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहा तीन दिन सब ने बहुत इन्जॉय किया स्पेशली बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और ग्रुप कैंपिंग का ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बट इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड मेरे जो बाकी दोस्त हैं उन सब ने ही कहा यार नेक्स्ट टाइम हम ग्रुप कैंपिंग ही करेंगे कोई और मतलब जो नॉर्मल जो हम कैंपिंग करते थे वो नहीं करेंगे तो सब ने बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने बड़ों ने बारबेक्यू किया हमने हाइकिंग के लिए मैं तो नहीं गया लेकिन बाकी हमारे जो दोस्त थे वो लोग गए थे तो इट्स अ वेरी गुड ट्रिप और ये कि इंशाल्लाह इस साल की कैंपिंग ख़त्म होगी होपफुली हम लोग थैंक्स गिविंग में अक्टूबर में जो है एक कॉटेज पे जाएंगे तो देखें उसका क्या प्रोग्राम बनता है तो ये देखें मैं कैंप साइट का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इस वक्त क्या हाल है ये देखें यहाँ पे सारे टेंट लगे हुए थे और सब खाली हो गए हैं ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये देखें सारा टेंट साइड जो है वो सब के सब रैप अप कर दिया है जो थोड़े बहुत बच्चे हैं बच्चे वो लोग खेल रहे हैं और ये कि इन्जॉय कर रहे हैं आखिरी मिनट तक तो एनीवे आप लोगों को अब उम्मीद है आप लोगों को हम लोग का ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा हमें तो खैर बहुत मज़ा आया मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कैसा लगा लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम लोग ग्रुप कैंपिंग के लिए आएंगे इस साइड नहीं तो कहीं और ज़रूरी लेकिन ये कि ये साइड सबको बहुत पसंद आई है होपफुली शायद इसी साइड आएँ क्योंकि वॉशरूम वगैरह सब नज़दीक आए हैं तो चलें उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह फिर नए वीडियोज़ के साथ मैं आऊँगा और ये कि उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़